मॉर्निंग फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर, और अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 9:30, और मैं हूँ भारत सेवा आश्रम पे। तो ये आप पीछे का व्यू देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और मेरा जो रूम है, रूम मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो ये रहा रूम, और मेरा दो बैग रेडी है जाने के लिए है ब्लॉक। और आपको एक बार बाथरूम भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो बाथरूम, तो जो भी है सही है। और मेरा 2 बजे फोनिक्स पे जेटी से मेरा शिप है, मुझे लेके जाएगा हैबलॉक। और जाने में मुझे टाइम लगा अराउंड 2 से 3 घंटा जैसा। 2 घंटा पहले मुझे वहाँ पे पहुँचना है, मतलब 12 बजे तक पहुँचना है। तो 11:30 तक ही मैं एक्सप्लोर कर पाऊँगा। पहले मैं सोचा था आपका मतलब यहाँ पे बैग रख के जाऊँगा, 11 बजे तक आऊँगा, देन उसके बाद यहाँ से निकलूँगा। बट वो नहीं होगा क्योंकि ये सिटी से थोड़ा सा आउटसाइड में है, नहीं तो फिर से मुझे आना होगा। तो चलो फिर अभी चलते। अभी हम लोग जा रहे हैं सेलुलर जेल विजिट करने के लिए। तो विजिट किया था, लाइट एंड साउंड शो देखा था, और आज मैं जाऊंगा दिन का टाइम में देखने के लिए। और कल जो लाइट एंड साउंड का जो शो था यार, काफ़ी मस्त थे। कभी आओ अंडमान में और ये शो देखो, एकदम रोंगटे खड़ा हो जाएंगे यार, इतना अच्छा है। मैंने लाइफ में पहला कोई शो देखा जो इतना अच्छा है। मतलब मैंने मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया था, सब कुछ एकदम अंदर से फील हुआ, वो चीज़ आप फील कर सकते। मतलब यहाँ पे आप आओ, एक बार आओ, मैं जो बोलूँगा आप वो नहीं समझोगे। एक बार आओ देखो, यहाँ का जो रोड है यार काफ़ी मस्त है, मस्त है। देखो एक बार मैं रोड आपको दिखाता हूँ, चलो। सेलुलर जेल में टोटल 7 व्हील्स है, तो ये 1, 2 नंबर और 3, 4 को तोड़ के गवर्नमेंट मतलब अंडमान का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एकदम गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये, और यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो ब्रिटिश का टाइम पे अंडमान का जो कैपिटल था वो था रॉस आइलैंड। तो आप देख सकते हो ये रॉस आइलैंड इंडियन नेवी का अंडर में है, इंडियन नेवी मेंटेन करता है ना, इंडियन नेवी मेंटेन करता है। तो काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए हम लोगों को, 1 घंटे से ऊपर हो गया ना, 1 घंटे से ऊपर हो गया। इसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए, 2 घंटे से ऊपर चाहिए। तो चलो फिर चलते नीचे, मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया तो नीचे जाके ब्रेकफास्ट भी करना है। तो चलो फिर चलते, पहले तो एक्सप्लोर करने था, खाना तो कभी भी खा सकता है। तो चलो फिर चलते हैं अभी, और एक बार आपको दिखा देता है। ये 1 विंग्स, दूसरा उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन, और तीसरा। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, 1 विंग्स से जो तोड़ा था उसका अभी भी है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, तो ये देखो ये वाला हब कंस्ट्रक्शन अभी भी है। तो पार्किंग है ना, पार्किंग है पीडब्ल्यूडी का जेई ऑफिस है ना, जेई ऑफिस, पीडब्ल्यूडी का जेई ऑफिस है ये। और ये पूरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यही है। ये वॉच टावर है।
अभी हम लोग जा रहे हैं वीर सावरकर का जो सेल है जिसमें वो रहते थे उस सेल पे, और ये जो मतलब ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है अभी। वायल मतलब मिल, तो यहाँ पे ऐसे करके मतलब फ्रीडम फाइटर जो था लोग ऐसे करके काम करना पड़ता था यार, कितना जुलूम करता था ये लोग। कल रात को जब मैं लाइट एंड साउंड का शो देख रहा था उस टाइम मेरा रोंगटे खड़ा हो गया यार, अभी ऐसे करके करता था। वहाँ पे लिखा हुआ है पनिशमेंट ड्रेस, ऐसे करके चेन बांध के रखता था। फाइनली सेलुलर जेल काफी अच्छा से विजिट कर लिया, और अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट क्या, लंच ही कर लेंगे एक बार में, 12 तो बजने वाला है। 2 घंटा जैसा, 1 घंटा 45 मिनट्स लगा मुझे ये विजिट करने में, काफ़ी अच्छा से मैंने ये विज़िट किया। और कल रात को यहाँ पे बैठ के लाइट एंड साउंड का शो देखा था मैंने। पहुँच गए फोनिक्स बे जेट्टी पे, और ये रहा जेट्टी, और वहाँ पे एक शिप खड़ा है, मैं भी उसमें जाऊँगा। और अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 1:45, तो मेरा 2 बजे का शिप है, तो चलो फिर चलते हैं। कतो टाइम लगभग खंडी क्या, तो यहाँ से जो टाइम लगेगा है ब्लॉक जाने में 2 घंटा 30 मिनट, आईडी कार्ड और मेरा जो टिकट है वो निकालना होगा। यहाँ पे लगेज तो हमारे साथ चले जाएगा ना, पीछे पीछे लगेज का तो समझे, पीछे लगेज तक ही अन्य जगह रख दें कि ओरा लगे साथ ही जाए, साथ ही जाए हमारे साथ ही थकबे कि दूटा। तो ये तो जो लगेज है मेरे साथ ही रहेगा, चलो। प्राइवेट वाला जो फेरी है उसमें नहीं आया, उसमें आने से आपको अंदर बैठना पड़ता है, और गवर्नमेंट फेरी में आने से आपको बाहर निकाल सकते, अच्छा से वीडियो कर सकते, फोटो ले सकते, और एक बार पानी तो देखो यार इतना अच्छा है ना।
So friends, अभी मैंने यहाँ पे देखा इंजन टू जो होता है केबिन कैसा है वो मैंने देखा, काफ़ी अच्छा है, फुल एसी है। अबे चलो फिर मैं अभी चलता हूँ। फ्रेंड्स फाइनली पहुंच गए हैवलॉक और अभी टाइम जो हो रहा है वो 4:45 और यहाँ का व्यूज का व्यू देखो यार काफ़ी मस्त है और कुछ देर में सनसेट भी हो जाएगा तो चलो फिर चलते हैं। आने का जो एक्सपीरियंस था यार जन्नत जन्नत। A few moments later, अभी मैं कर रहा हूँ मेरा जितना भी फुटेज है वो ट्रांसफर गोप्रो का सब फुटेज ट्रांसफर हो गया और ये जो केबल है मैंने जो लिया था ये केबल एकदम बेकार केबल है। वो आदमी बोला था फुट प्लेयर में, अरे हम लोग तो ये केबल बेचता है गोप्रो के लिए, तुम ले लो काफ़ी अच्छा है ये केबल, अच्छा है। मैंने भी सोचा, मैंने वहाँ पे पावर बैंक लगा के चार्ज करके देखा, चार्ज हो रहा है बट फाइल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, मुझे इसीलिए ये कार्ड डिटेल लगा के ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है। और आज का मतलब ये जो जर्नी था पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक काफ़ी मस्त रहा क्योंकि मैंने गवर्नमेंट फेरी में किया था। अगर आपको अंदामान का ये जो सीरीज़ है ये अच्छा लग रहा है तो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना।